हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल के एंड के स्मार्ट स्टडी हब में आपका स्वागत है। और सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो MPNHM के CHO की जो जनवरी से जून जो सेशन था, उनका पोस्टिंग ऑर्डर आ गया है दोस्तों। और उनको पोस्टिंग के लिए बोल दिया गया है सब सेंटर पर। तो मैं अभी उनको बताऊंगा कि जिनका पोस्टिंग ऑर्डर कहाँ कहाँ हुआ है और क्या कंडीशन रखी गई है और क्या क्या आपको प्रोसेस करनी रहेगी दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको नोटिफिकेशन पे ले जा रहा हूँ। नोटिफिकेशन पे ले जाने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और कई सारी कमेंट्स ऐसी रहती हैं जिनका जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ दोस्तों। तो मैं कई बार देने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर क्या होता है कि कुछ कंडीशन होती है, पर फिर भी हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ और जितना हो सकता है देने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको नोटिफिकेशन पे ले जा रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो आप, हम नोटिफिकेशन पे MP ऑनलाइन की साइट पे आ गए हैं और हम आगे जाते हैं क्या प्रोसेस है उसकी। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि CHO पोस्टिंग ऑर्डर ऑफ जनवरी से जून 2020 एप्लीकेंट सब सेंटर्स, और यह है 18/8/2020 को आया था। और यहाँ से क्लिक करना है आपको। अब देखते हैं हम क्लिक करके, तो ये डाउनलोड का ऑप्शन होगा, डाउनलोड होगा। यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं इसको। ये डाउनलोड हो गया है दोस्तों। और आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश तथा इग्नू द्वारा संचालित सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ के जनवरी से जून 2020 सत्र के प्रशिक्षणार्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर प्रस्तुत विकल्प के फलस्वरूप उनके नाम कॉलम नंबर 4 में दर्शित जिले के उप स्वास्थ्य केंद्र में आगामी आदेश तक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO इंटर्न के रूप में अस्थायी रूप से स्थापना दी जाती है। मतलब अभी ये जो है दोस्तों, ये उप स्वास्थ्य केंद्र पर रहेंगे और ये इंटर्न है, मतलब अभी प्रशिक्षु हैं, इनको अभी सीखने का दिया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर है ये, और यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे इनका नाम, यहाँ पे इनकी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट इनको मिला है, और डिस्ट्रिक्ट का जो ब्लॉक है और उसके सब सेंटर कहाँ पे हैं, और ये उनके साथ कांटेक्ट नंबर है, नहीं कांटेक्ट नंबर नहीं है सर, है ना। तो आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर मिलान करना है और आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करा था वो, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको उसका ब्लॉक कौन सा लगता है और यहाँ पे सब सेंटर है, ठीक है। तो आप इसमें अपना नाम जरूर देके और आपको जहाँ भी मिला है वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करना है। अब मैं ये बताऊँगा कि आपको रिपोर्टिंग कब करना है और क्या क्या आपकी प्रोसेस रहेगी। तो हम इसको डायरेक्ट नीचे ले जाते हैं, और कैंडिडेट के लिए अलग अलग है। तो आप इसमें अपना नाम जरूर देखें, जिनका भी CHO की ट्रेनिंग हुई थी, और दोस्तों देख सकते हैं इसमें जो टोटल कैंडिडेट लिए हैं उनने यहाँ पे 1677 कैंडिडेट लिए हैं यहाँ पे। और इसके दिशा निर्देश क्या है, मतलब क्या प्रोसेस रहेगी इसकी, मैं बताना चाहूँगा अब आपको। अब आगे देख सकते हैं कि प्रशिक्षु CHO 1 सप्ताह के अंदर आवंटित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्वाइनिंग रिपोर्ट देने के पश्चात, मतलब जो आपको कम से कम ये जो रिजल्ट आया है उसके 1 सप्ताह के अंदर आपको वहाँ पे मुख्य चिकित्सा एवं CMHO में आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग देना पड़ेगी।
पैसा संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मतलब आपको वहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा जो कम से कम MBBS चिकित्सक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो के साथ उपस्थिति की सूचना देंगे। आवंटित उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्य प्रारंभ करेंगे। गर्भावस्था अन्य बीमारी की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ ही प्रशिक्षु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को कर्तव्य पर उपस्थित होने की अनुमति होगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पदस्थापना उप स्वास्थ्य केंद्र पर संपूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाय करने हेतु की गई है। मतलब ये जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रहेंगे इनको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना पड़ेगी, मतलब इनको प्री केयर करना पड़ेगा। और कहाँ पर रहेंगे, ये उप स्वास्थ्य केंद्र पर रहेंगे। आवंटित उप स्वास्थ्य केंद्र में जिला विकास खंड पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें जो आपको जिला मिला हुआ है और जो विकास खंड मिला है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आगे और देखते हैं हम आगे क्या है। उक्त प्रशिक्षणार्थी के ज्वाइनिंग करने के पश्चात जिला MNE अधिकारी द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जानकारी HWC पोर्टल में अपडेट करते हुए संस्था को क्रियाशील किया जाएगा। मतलब कहीं कई संस्था ऐसी जहाँ बंद पड़ी है वहाँ भी इनको करना पड़ेगा। प्रशिक्षु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पदस्थ किए गए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में न्यूनतम 3 वर्ष तक कार्य हेतु अनुबंधित है। मतलब जहाँ पे आपको ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र मिला हुआ है वहाँ पे आपको कम से कम 3 साल तक करना पड़ेगा। ज्वाइन नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि तक सेवा प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपए का अनुबंध अनुसार वसूली किया जाएगा। अगर आप वहाँ पे ज्वाइन नहीं करते हो या 3 साल तक वहाँ पे आप ड्यूटी नहीं करते हो तो कम से कम आपको जो आपके अनुबंध जो बना था 2 लाख का या जो बॉन्ड भरवाया था 2 लाख का वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद आगे क्या है, आगे क्या देखते हैं हम इसमें। आगे है प्रशिक्षु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO इंटर्न को 15,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड तथा 7,500 रुपये प्रति माह कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। मतलब अभी जो है आपको 15,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा और 7,500 रुपये कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को संविदा पदस्थ करते हुए नियमानुसार वेतन 25,000 प्रति माह एवं कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि 15,000 प्रति माह प्रदान किया जाएगा। मतलब अभी आपको डायरेक्ट 40,000 नहीं देंगे, वो इसमें सबसे पहले आ गए इसकी जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आएगा, जो आपके ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम हुई थी और उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद से आपको 25,000 प्रति माह वो अलग से मिलेंगे और जो प्रोत्साहन राशि मिलेगी वो 15,000 वो अलग से मिलेगी। तो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट 40,000 मिलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। अनुत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब अगर इन केस अगर कोई से कैंडिडेट ऐसे हैं जो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उनको एक बार एक मौका और दिया जाएगा तथा उनकी प्रशिक्षु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पदस्थ निरंतर रखी जाएगी। मतलब अभी जो इंटर्न में उनकी जो पदस्थ रहेंगे जहाँ पे वो कंटिन्यू रहेगी, उनको हटाया नहीं जाएगा। दूसरी बार परीक्षा में पुनः अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में प्रशिक्षु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। अगर वो दूसरी बार भी फेल हो जाते हैं तो वो जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनकी ये जो नियुक्ति रहेगी वो कैंसिल कर दी जाएगी। प्रशिक्षु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को मातृत्व चिकित्सा अवकाश की पात्रता नहीं होगी। क्या होता है कि जो कैंडिडेट ऐसे रहते हैं कि जो मातृत्व या चिकित्सा अवकाश की पात्रता नहीं रहती है इनको, तो इनको अभी पात्रता ये नहीं रहेगी। तो दोस्तों इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं उनको आपको ज्वाइन करना है और ये जो भी ये निर्देश दिए हैं इनका पालन करते हुए आपको ज्वाइन करना चाहिए और बहुत अच्छी पोस्ट है। तो आपको ये चीज़ें मैंने जो आपको समझाई है उस आधार पे आपको ज्वाइनिंग करना चाहिए। और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल हो।